हेलो गाइज, मैं हुसैनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। कुछ टाइम के लिए शांत रहने के बाद इंटेल ने AMD प्रोसेसर्स के साथ कम्पीट करने के लिए अपने नए लाइनअप की अनाउंसमेंट कर दी। इट्स अ रॉकेट लेक एस प्लेटफॉर्म जो एक नए आर्किटेक्चर को कुछ नए फीचर्स को 14 नैनोमीटर नोड पे बैकपोर्ट कर रहा है। इंटेल की रीति के अनुसार नए प्रोसेसर्स यानी नए मदरबोर्ड चिपसेट्स भी, और यहाँ नए प्रोसेसर्स 500 सीरीज चिपसेट के साथ लॉन्च हो रहे हैं और इस सीरीज में Z590 फ्लैगशिप चिपसेट होने वाला है जो कई सारे IO और कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट्स के साथ आ रहा है। इसमें से मेजर है CPU और चिपसेट के लिंक को बैंडविड्थ में डबल करना, ज़्यादा तेज़ नेटिव मेमोरी फ्रीक्वेंसी सपोर्ट यानी 2933 MHz की बजाय 3200 MHz का सपोर्ट और प्रॉपर PCIe Gen 4 सपोर्ट। ये सब करने में इंटेल को काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब बात करते हैं आज के वीडियो के टॉपिक की। थोड़ी देर लगा दी इंट्रोड्यूस करने में, बट इट्स अ गुड वन। और हम बात कर रहे हैं गीगाबाइट Z590 Aorus Master की, जो एक हाई एंड Z590 बोर्ड है। इट्स नॉट द फ्लैगशिप बोर्ड इन द लाइनअप, बट स्टिल इसमें वो सारी फीचर्स है जो आप किसी हाई एंड बोर्ड से एक्सपेक्ट करती हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्म फैक्टर। ये एक स्टैंडर्ड साइज ATX बोर्ड है जहाँ सामने और पीछे फुल कवर मेटल हीट सिंक्स है और बैक प्लेट है। ये बैक प्लेट VRMs को कॉन्टैक्ट करता है, सो थोड़ी एडेड कूलिंग में हेल्प होती है। As usual, इसमें RGB एलिमेंट्स है बोर्ड के अराउंड, बट बोर्ड का ब्लैक PCB डिज़ाइन वैसे ही काफ़ी क्लीन दिखता है, मुझे लुक्स अच्छे लगे। मेन VRM हीट सिंक्स फिन है यानी कूलिंग के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया। वैसे ज़्यादा कूलिंग की इसको ज़रूरत है नहीं बिकॉज इसका VRM सेटअप वैसे ही काफ़ी ज़्यादा केपेबल है, बट हम इसके बारे में बाद में ज़्यादा बात करेंगे। 4 RAM स्लॉट्स है एज यूजुअल, एंड जो सॉकेट एरिया है वो वैसे तो काफ़ी पैक्ड है, बट आई थिंक एयर कूलर्स इंस्टॉल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉकेट के नीचे एक सिंगल पीस हीट सिंक के नीचे 3 M.2 स्लॉट्स है और फुल साइज PCIe स्लॉट्स है। फाइनली ये स्लॉट्स PCIe Gen 4 स्पीड सपोर्ट करते हैं। इंटेल इज लेट टू द पार्टी, बट एटलीस्ट दे आर हियर। सिर्फ एक ही M.2 स्लॉट यहाँ Gen 4 स्पीड सपोर्ट करता है, अनलाइक AMD का X570, सो ये थोड़ी ध्यान रखने वाली बात जरूर है। आई थिंक मदरबोर्ड ऑडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, एंड गीगाबाइट हैज इम्प्लीमेंटेड अ हाई एंड सोल्यूशन हियर। यहाँ ESS Saber का 9118 डैक है जो काफ़ी फेमस है अपने वार्म साउंड सिग्नेचर के लिए। ALC 1220 भी यहाँ कोडेक सपोर्ट के लिए है और फॉर इम्पीडेंस डिटेक्शन, माइक कंट्रोल एक्सेट्रा। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ इसको अभी टेस्ट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई डोंट हैव द प्रोसेसर्स, बट गोइंग बाय द प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन इट शुड बी गुड। बाकी कनेक्टर्स की बात करें तो यहाँ 10 फैन हेडर्स है, 4 RGB हेडर्स है, 3 USB 3.1 और 3.2 हेडर्स एंड 6 SATA पोर्ट्स। ये मदरबोर्ड डुअल बायोस के साथ आता है, सो इन केस आपका कोई OC सेटिंग या फिर बायोस अपडेट फेल हो जाता है, यू कैन ऑलवेज गेट इट वर्किंग अगेन। यहाँ 2 फिजिकल स्विचेस है फॉर चेंजिंग बिटवीन द बायोस ऑप्शंस। थोड़े कन्वीनियंट फीचर्स है जैसे पावर बटन्स, पोस्ट कोड डिस्प्ले और एक रीसेट की जो आप कस्टमाइज कर सकते हैं डायरेक्टली थ्रू द बायोस। आप इससे RGB चेंज कर सकते हो, सीधा सेफ मोड पे बूट कर सकते हो और बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होगा जब आप बायोस के साथ ट्विकिंग करना चाहते हो, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाए। अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं इसके VRM सेटअप को। यहाँ पे एक 18+1 फेज VRM सेटअप है जो इन रियलिटी एक डबल डब VRM सेटअप है, 18 CPU के लिए है एंड 1 फॉर द GPU। 90 MPS के इन 18 इंटरसेल ISL9939 पावर स्टेजेस को ISL का 69269 का PWM कंट्रोलर संभाल रहा है। एंड फॉर फिल्टरिंग यहाँ पे टैंटलम कैपेसिटर्स यूज़ किए हैं जिनके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने थोड़ा इनके बारे में चेक किया। एंड इसके जो मेन बेनिफिट होते हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल कैपेसिटर्स वो है बेटर कैपेसिटेंस, ज़्यादा लंबी लाइफ एंड ओवरऑल ज़्यादा बेटर क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। VRMs की कूलिंग के लिए यहाँ पे फिंड हीट सिंक्स है जो एक डायरेक्ट टच हीट पाइप से कनेक्टेड है। ओवरऑल ये VRM सेटअप आराम से किसी भी OC के लिए रेडी है, बट ये देखने वाली बात ज़रूर होगी कि 11th जेन प्रोसेसर्स एक्चुअली कितने केपेबल हैं, बिकॉज अभी तक जो बात हमें सुनाई दी है या जो न्यूज़ हमें मिली है उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी ज़्यादा पावर हंग्री होने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं IO एरिया की, और ये पूरी तरह फीचर पैक्ड है। मैं आपको जल्दी से लिस्ट बताता हूँ। यहाँ पे है एक क्यू फ्लैश बटन, क्लियर CMOS बटन, 2 Wi-Fi एंटीनास। ये Wi-Fi सेटअप Wi-Fi 6 को सपोर्ट करता है एंड इट्स हैंडल्ड बाय द इंटेल AX210 चिप। एक डिस्प्ले पोर्ट, एक USB टाइप सी पोर्ट जिसमें सपोर्ट है USB 3.2 Gen 2x2 का, यानी आपको 20 Gbps तक की स्पीड मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पे कोई USB 2 पोर्ट्स नहीं है और 5 USB 3.2 Gen 2 पोर्ट्स एंड 4 USB 3.0 Gen 1 पोर्ट्स है। तो इन टर्म्स ऑफ USB दिस इज कम्प्लीटली पैक्ड एज यूजुअल विद गीगाबाइट बोर्ड्स। यहाँ पे LAN कनेक्टिविटी के लिए Aquantia का AQC107 10 GB LAN कनेक्टर है, एंड आई रियली लाइक कि यहाँ पे इन्होंने 2 कनेक्टर्स इंप्लीमेंट नहीं किए, बिकॉज कई बोर्ड्स क्या करते हैं कि वो 2 कनेक्टर्स इंप्लीमेंट करते हैं, एक 2.5 और एक 10, बट आई थिंक 10 सिंगल 10 कनेक्टर इज ऑलवेज बेटर।
और लास्ट में है हमारे फुल सराउंड ऑडियो कनेक्टर्स जो कनेक्टेड है ALC 1220 कोडेक के साथ। सो गाइस, जैसे हमने टाइटल में लिखा था, दिस इज़ नॉट आर रिव्यू फॉर दिस बोर्ड बिकॉज हमारे पास अनफॉर्चुनेटली 10th जेन पार्ट या प्रोसेसर्स नहीं अवेलेबल और ना ही 11th जेन अभी लॉन्च हुए हैं। दे आर लॉन्चिंग वेरी सून, आई मीन जस्ट इन अ फ्यू डेज, लेकिन उससे पहले इसको प्रॉपरली रिव्यू करना हमारे लिए फिलहाल नॉट पॉसिबल है। तो हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि 11th जेन का कोई हमारे प्रोसेसर मिले फॉर टेस्टिंग, सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। बाकी लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस बोर्ड इज़ नॉट फॉर एन एवरेज यूज़र, ये एक बहुत ही हाई एंड बोर्ड है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इसका जो प्राइस होने वाला है जस्ट लाइक द प्रीवियस Z490 बोर्ड अप्रॉक्सीमेटली 40-41,000 के आसपास होगा। एंड एट दैट प्राइस ये उन्हीं लोगों के लिए है जो जानते हैं कि उनको क्या फीचर्स चाहिए या उन फीचर्स को एक्चुअली यूटिलाइज करेंगे। यू गेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग फॉर द प्राइस यू पे। एंड आई थिंक अगर आप इंटेल प्लेटफॉर्म कंसिडर कर रहे हैं फॉर समथिंग लाइक द 11900K, देन दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन इफ़ योर वॉलेट अलाउज। So I would like to thank Gigabyte for sending out this board to us और hopefully वो processor भी हमें साथ ही भेज देते, लेकिन चलो I will wait for that। बाकी अगर आपको इस board के बारे में कोई question है तो please हमें comments में ज़रूर बताएं। अगर कोई इस video के बारे में feedback भी है तो भी ज़रूर हमें comments में लिखें। बाकी like, share, subscribe अपने स्वाद अनुसार करते रहें। मैं मिलूंगा आपको अगली बार, till then, bye।